जय माँ आज गुरु पूर्णिमा है और सब जगह हम लोग मैसेजेस देख रहे हैं किसी न किसी रूप में गुरु पूर्णिमा के विषय में किंतु शेरविंद का एक पत्र है जहाँ वो लिखते हैं कि आम तौर पर हम इस योग में गुरु का की बात अधिक नहीं करते हैं और गुरु का संबंध भी यानी कि कोई जोड़ना चाहे तो नहीं जोड़ सकता है कर सकता है वैसा लेकिन हम लोगों को ये अंतर पता होना चाहिए कि गुरु एक प्रकार का संबंध है जो हम भगवान या भगवान के रिप्रेजेंटेटिव से जोड़ सकते हैं किंतु तो और भी संबंध हैं और वहाँ पर थोड़ा सा क्योंकि आज जो प्रार्थनाएँ हम लोग पढ़ने वाले हैं सितंबर की स्वाभाविक रूप से बिना प्लान किए ये इस ओर संकेत कर रही हैं तो गुरु पथ प्रदर्शक है वो प्रकाश का प्रतीक है प्रकाशित करते हैं पथ को चलना हमको पड़ता है वो हमको तरीका बता देते हैं उपाय बताते हैं ऐसे मेडिटेशन करो ये क्रिया करो गुरु मंत्र क्रिया देते हैं तो उस मंत्र को रिसीव करता है और जो साधक है और वो शिष्य उस उन क्रियाओं को करता है वो क्रियाएं मेडिटेशन की एक तकनीक हो सकती है श्वास की क्रिया हो सकती है जो भी है उस पर वो चलता है और गुरु के आगे क्या है गुरु के आगे अवतार है तो अवतार मंत्र नहीं देते हैं वो कर्म देते हैं आप कहीं नहीं देखें कि श्री राम जी ने बंदरों को बुलाकर मंत्र दिया या कृष्ण जी ने मंत्र दिया उन्होंने कर्म दिया हर किसी को और यही बात श्री अरविंद अपने और माता जी के विषय में लिखते हैं कि द मदर डज नॉट गिव मंत्रा शी गिव्स वर्क क्योंकि वो तो सारा काम करेंगे उसमें कोई आपको विशेष क्रिया नहीं करनी तुम्हारा कर्म ही क्रिया है उस कर्म को जब हम सही एटीट्यूड से करते हैं तो वो अपने आप में वो क्रिया है और कोई अलग से क्रिया करने की आवश्यकता नहीं होती है तो अवतार मंत्र और क्रिया नहीं देते हैं, वो कर्म देते हैं और वो कर्म ही क्रिया है और वही एक साधन बन जाता है और उसके आगे अगर हम डिवाइन मदर की बात करें तो माँ तो माँ है गुरु मंत्र देते हैं अवतार का नाम ही मंत्र है शेरविंद का एक पत्र है देर इज नो मंत्र इन दिस योगा एक्सेप्ट द मदर्स नेम एंड माइन नाम ही मंत्र है और माँ उनको किसी भी रूप में पुकारो वो प्रस्तुत है शी गोज वंस टेप बियॉन्ड क्योंकि जैसे एक माँ बच्चे का रुदन समझती है वो ही नहीं कहती है तुमने ठीक से रोया नहीं तुमको मैंने बताया था ना रोना इस तरह से पड़ेगा तब मैं आऊंगी इस फ्रीक्वेंसी से माँ के सामने जब रुदन करता है शिशु पुकारता है माँ कहे अम्मा कहे आई कहे मदर कहे दोस्त मेर कहे या बस मन में एक भाव रखे सी हियर्स इस संबंध बहुत अलग है और कई गुना ऊपर है अगर देखा जाए गुरु पथ बताते हैं और चलना हमको पड़ता है और अवतार प्रथ के प्रणेता भी हैं और प्रदर्शक भी हैं वो आगे आगे चलते हैं क्यों आगे चलते हैं अवतार क्योंकि वो मार्ग के कंटक निकाल सकें तब हम पीछे पीछे चलेंगे <laughs> ब्रिज को क्रॉस करेंगे और माँ केवल पथ प्रदर्शक या पथ की प्रणेता नहीं है वो पथ है अरे पथ कैसे हो गई क्योंकि वो हम लोगों को यदि हम स्वीकार करें समर्पण करें तो गोद में उठा के चलती हैं कई बार लोग कहते हैं हाउ इज मदर द पाथ वेल नेचुरली जब आप वो आपको गोद में उठा के चलेंगी तो वो पथ हो गई हमको क्या करना है माता जी स्वयं बताती हैं हमको उनकी गोद में रहना ये बहुत कठिन काम है प्रयास कीजिए किसी बच्चे को गोद में लेके मेला ले जाने की आपका बच्चा है और वो जैसी वो बिलख बिलख के उतरना चाहेगा मेले में इधर भी जाना चाहेगा उधर भी जाना चाहेगा और यदि माँ को लग रहा है कि नहीं वो चीज़ इसके लिए उचित नहीं है तो माँ से रुष्ट हो जाएगा मुड़ जाएगा फिर माँ थोड़ी देर उतार देती है लेकिन यदि हम चाहें समर्पण का अर्थ यही होता है सचमुच में कि अब मैंने आपके हाथ में सौंप दिया आप क्या ले जाओगे किधर ले जाओगे क्या मिलेगा नहीं मिलेगा हाँ मैं बीच बीच में थोड़ा रोक सकता हूँ कि माँ वो वाली मिठाई मुझे चाहिए लेकिन समर्पण का अर्थ है कि नहीं मिली तो अच्छा है <laughs> तो उनको केवल समर्पण करता करना होता है और वो पथ बन जाती है लेकिन एज आई सेट बहुत कठिन होता है क्योंकि मानव मन जो ईगो से बंधा हुआ है ईगो इंडिविजुअलिटी से उसके अंदर रह रह के रिवोल्ट अनेकों प्रकार के डाउट्स ये सब आते हैं तो समर्पण इतना सरल नहीं होता है लेकिन माँ का पथ समर्पण का पथ है शिविंद इसी ने कहते हैं दिस योगा स्टार्ट विथ सरेंडर इट प्रोसीड्स विथ सरेंडर इट कलमिनेट्स इन सरेंडर तो ये तीनों में अलग अलग गुरु प्रकाश के द्योतक हैं महेश्वरी का एस्पेक्ट रिप्रेजेंट करते हैं और जो अवतार हैं चूंकि वो कर्म प्रधान हैं तो उनमें महाकाली महालक्ष्मी और करुणा भी है उनके अंदर लेकिन डिवाइन मदर इन सब के परे हैं उनके अंदर ये सारी वो प्रेम अवतार करुणा में है करुणा के कारण भगवान धरती पर आते हैं जन्म लेते हैं गुरु हमारे लेवल पर नहीं आते हैं वो उठ चुके हैं अब वो हमको बता रहे हैं देखो ऐसे करोगे तो मेरे पास तुम पहुंच जाओगे यू कैन ऑल्सो क्लाइम वेयर आई हैव क्लाइम्ब बीच बीच में आपको वो इंडिकेट करेंगे अगर आप फंस गए उलझ रहे हो तो मंत्र के द्वारा आपके पास एक एस भी है और एक प्रकार का वो जी रिमोट कंट्रोल जी है तो बताते हैं यहाँ से तुमको ये रास्ता लेना है वहाँ से वो रास्ता लेना है लेकिन अवतार अवतार तो स्वयं उतरते हैं करुणा के कारण तो वो कहते नहीं मैं साथ चलूंगा तुम्हारे यही तो श्री कृष्ण कहते हैं कि अंतर क्या है उन उनमें जो तपस्या के बल पे जाते हैं गुरु मेनली तप प्रधान जीवन होता है तो और श्री कृष्ण कहते हैं और जो मुझे समर्पण करते हैं उनमें अंतर यह है कि वह जो रास्ता है जब अपने आप व्यक्ति करता रहता है तो वो पंथ दुरुत्या कठिन रास्ता है और जब मुझे समर्पण करके चलते हो तो चलना तो पड़ता है हाँ डिवाइन मदर वो एक अलग एस्पेक्ट है वो गोद में लेके जा सकती हैं ऐसे लोग हैं जिनको माने इस तरह से गोद में ले कर के गई हैं पर जैसा बताया वो समर्पण मानव जीवन मनुष्य की चेतना के लिए सरल नहीं है हो जाए जिस जो बहुत इंटेलेक्चुअल नहीं है जो सरल सहज स्वभाव के उनके लिए ये इजी होता है स्वयं तो को माँ को सौंप देते हैं और फिर वो ये सब नहीं सच में ऐसा होगा पर्सनल एफर्ट का क्या है हमको कुछ तो करना पड़ेगा मेडिटेशन की प्रोसेस किया वो दिमाग नहीं चलता है उनका दे रियली सरेंडर एंड दे आर कंटेंट विद जो डिवाइन मदर करेंगे और वो ये भी नहीं मुझे ये एक्सपीरियंस हो रहा है कि नहीं हो रहा है मुझे कब होगा बगल वाले को तो हुआ है <laughs> उसको ये ये सब चीज़ जो माँ के साथ है इससे बड़ा अनुभव क्या हो सकता है सच पूछा जाए तो सब अनुभवों का अनुभव कपाली शास्त्री जी से किसी ने पूछा था कि आपने तो तंत्र साधना की मंत्र साधना की योग साधना की रमन महर्षि के यहाँ रह कि आपने अनेको विद्याएँ सीखी उसके बाद आप यहां पर आए तो ये आपको इन सब तरह की साधना से क्या मिला तो अचानक उन्होंने कहा क्या मिला अरे मैं डिवाइन मदर के चरणों में आ गया अब इसके बाद आपको क्या मिलना है इसको परम गति कहा गया है हमारे ने पायो परम विश्राम राम समान प्रभु भगवान के चरणों में आ जाना अर्जुन को कौन से एक्सपीरियंस चाहिए इसके बाद जब उसने कहा शिष्य से हम साधेमाम श्रीकृष्ण ने कहा अच्छा ले मैं तेरे चिरेट इसके बाद वो और है कि उन्होंने विश्व रूप भी दिखा दिया पर अगर नहीं भी इसके बाद कौन सा एक्सपीरियंस व्यक्ति ढूंढ रहा है जो सतत उनके साथ चल रहा है यही तो है सालोक की मुक्ति सामिप्य मुक्ति और उनके साथ चलते चलते साधर्म गति आपकी प्रकृति अपने आप डिवाइन मदर की प्रकृति के साथ मोल्ड होने लगती है तो दे इज नो ग्रेटर एक्सपीरियंस एक्सपीरियंसिस आर ओनली पॉइंटर्स यहाँ तुम चल रहे हो इधर वाणी सुनाई दे गई भगवान की विजन आ गया दिस इज़ फार ग्रेटर तो और अवतार करुणा में है साथ साथ चलते हैं हमारे चलना तो आपको ही पड़ेगा लेकिन थोड़ा अवतार के साथ बातें करते करते मौज मस्ती करते हुए जाएंगे कभी युद्ध भी आएगा तो वो साथ में बोलेंगे रुक जा ये वाला तीर मैं अपने छाती पर ले लेता हूँ कहते हैं ना राम जी के बारे में कि जब रावण आया तो उसने कहा ये सब का कारण तो विभीषण है इसको मैं मार डालूंगा तो मैं बच जाऊँगा सबकी सीक्रेट यही बताता है तो जब रावण तीर चलाते हैं घातक तो राम विभीषण को पीछे कर देते हैं अपनी छाती पर वो तीर ले लेते ले हैं ये करते हैं अवतार करुणा में होते हैं वो ये नहीं कहते तुम्हारे कर्म है कर्म के अनुसार तुमको भोगना पड़ेगा पर तुम मेडिटेशन करते रहो अल्टीमेटली तुम इससे बाहर निकल आओगे दैट्स अ स्टैंडर्ड जो गुरु का पैकेज होता है ये होता है ये नहीं कि ये कोई कम चीज है कि तुम मेडिटेशन करते रहो कर्मों का तुम्हारा जो है उसके अनुसार तुम्हारा जीवन आएगा सुख दुख आएगा अवतार कहते नहीं थोड़े मैं भी ले लूँ अपने ऊपर और जहां बड़े कठोर कर्म हैं तीन प्रकार कर्म होते हैं ना उसमें एक होता है प्रारब्ध वो तो आप जो किया हुआ है फिर एक कर्म होता है जो उत्कट होता है एक होता है संचित जमा पूंजी वो आपको करनी पड़ती है प्रारब्ध होता है जो आप, आप बना रहे हो उसके यू हैव टू भोगो इट एक होते उत्कट उत्कट मतलब वो आप कुछ नहीं कर सकते उसका वो करुणा ही आपके लेकिन अवतार की करुणा उन कर्मों को भी जो उत्कट है उनको सॉफेन करती है इट्स सॉफेंस लेकिन जगन माता ग्रेस माँ कहती है, ग्रेस कंप्लीटली कैंसल्स कर्मा इट कॉन्ट्राडिक्ट माँ कहती है, मेरी जो उच्चतम स्टेट है वो ये है कि मैं सारे कर्म वाइप आउट कर दो वो कर सकती है ये माँ के वर्ड्स हैं कि द ग्रेस कंप्लीटली कॉन्ट्राडिक्ट इट कैन कंप्लीटली कैंसिल कर्मा बाद में शायद उनको लगा होगा कि ये हमारे बच्चे तो इसको लेके फिर कहीं वृत्तियों में ही ना लग जाए तो कहती हैं प्रोवाइडेड यू डोंट डोंट कीप डूइंग इट पर शेयरविन तो और आगे की बात कहेगी माँ रिवील करती हैं माँ कहती हैं कि शेयरविन ने मुझे बताया और ये भी कहा कि तुम इनको मत बताना कि इनको डिसाइपल्स को बता रही हैं क्या कहती हैं दैट इरेस्पेक्टिव ऑफ व्हाट दे और डू नॉट डू विल कैरी दे मै क्रॉस ये अवतार कह सकते हैं और कोई नहीं कह सकता है गुरु नहीं कह सकते गुरु कहेंगे भाई तुमने प्रैक्टिस नहीं किया मैंने तुमको क्रिया दी थी मंत्र दिया था यू डिट प्रैक्टिस मदर शी विल कैरी यस तुम नहीं प्रैक्टिस कर पा रहे हो करवाएंगी एक टोकन अमाउंट करवाएंगी क्योंकि वो आपको टोल टैक्स होता है ना उसपे आपका फास्टैग लगा है वो जमा कर रही है लेकिन वो आपके फास्टैग से कट रहा है वो आप दे रहे हो लेकिन वो वास्तव में भगवान दे रहे हैं आपको एक्चुअली ये स्टोरी है कार में जा रही थी माँ ड्राइव पे और पवित्र दा चला रहे हैं। और कोई पुलिस वाले ने रोक लिया स्टोरी मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग लगती है सिग्निफिकेंट देखने वाले इसमें जो देखना चाहें देखें पर मैं तो इसमें बड़ा एक प्रोफाउंड स्परिचुअल ट्रुथ देखता हूँ तो डिस्कशन कर रहे हैं आर्ग्यूमेंट चल रहा है वो फ्रेंच पुलिस ये भी फ्रेंच जानते हैं गलत कर रहे हो ये वो थोड़ी देर बाद माँ पीछे से टैप करती हैं पवित्र मुड़ के देख रहे हैं क्या है माँ कुछ उनको पैसे हाथ में देती है <laughs> गो अब ये क्या है अब आपके फास्ट टैग से पैसे कटने थे पैसे आपके ही कटे <laughs> लेकिन दिए भगवान ने तो आपने एफर्ट किया आप देखने वालों आपने एफर्ट किया करवाया किसने माँ ने करवाया तो दैट इज द डिवाइन मदर और वही रूप आज हम पढ़ेंगे क्योंकि हम देख रहे हैं सीरीज में जब उनके जीवन के आंतरिक जीवन को पढ़ रहे हैं तो शुरू में हम देखते हैं कि बचपन से ही वो योगिनी है वो योग अवस्था उनको सहज है करुणामयी है और धीरे धीरे हम उनका योगी का रूप देखते हैं सारे अनुभव जो योगियों को होते हैं वो सारे फिर वो उस अलग अलग प्रकार के योग के वो पीक रियलाइज करती हैं तो योग योगेश्वरी योगियों को गाइड कर सकती हैं और ये हम देखते हैं कि वो योगी उनसे मिलने आते हैं सेंट्स मिलने आते हैं तो वो गुरु गुरु के भी आगे जो गुरुओं को गाइड कर सके वो रूप उनका देखते हैं फिर हमने पिछली बार उनका अवतार का रूप देखा अवतार का रूप क्यों क्योंकि अब एक नई चीज़ सृष्टि में आनी है तो जितने भी पुराने उपाय हैं पुराने तरीके हैं उसकी जगह एक नई चीज़ आनी है युग धर्म देना है तो पिछली बार हम लोगों ने अवतार का रूप देखा आज जो हम देखेंगे वो गुरु योगी गुरु अवतार के परे समत, समस्त धारिणी द डिवाइन मदर अक्सर लोग पूछते हैं कि कब शरविंद को पता चला कि वो डिवाइन मदर हैं एक प्रश्न किया था किसी डिसाइपिल ने तो कहा क्या आपने ट्वेंटी फोर्थ नवम्बर नाइनटीन ट्वेंटी सिक्स को रियलाइज़ किया कि वो डिवाइन मदर हैं शेरविन कहते नो नो मच बिफोर दैट कुछ कहा नहीं उन्होंने अब मच बिफोर दैट में अब डिसाइपल्स तो अपना अपना अनुमान लगाते हैं ये है कहानी कि एक बार 1900 कौन से 23 24 की बात होगी या 25 की बात होगी शेरविन जब मदर बुलाते थे माँ को तो बोलते बोलते वो थोड़ा सा माँ शब्द पे अटक जाते थे एज इफ वो Uh, मीरा मीरा बुलाते थे मीरा देवी ऐसे लिख के लिख लेटेस्ट में मीरा देवी मीरा बुला रहे तो माँ पे वो अटक रहे हैं जैसे कुछ मश ध्वनि प्रलोंग हो रही है जैसे माँ या मदर बोले बोलते बोलते उनको क्योंकि वो डिस्क्लोज नहीं करना चाहते हैं सबको कि कौन है और नलिता लिखते हैं कि एक दिन अचानक उन्होंने सबके सामने मदर कह दिया और कहते वो दिन ऐसा था जब उन्होंने उनको बाहरी चेतना में स्थापित कर दिया हलो अरे मदर कौन है ये मदर कैसे कह दिया इन्होंने इनको लेकिन उनको पता कब चला ये प्रश्न का उत्तर अगर हम लोग प्रेयर्स एंड मेडिटेशन पढ़ेंगे तो एकदम स्पष्ट रूप से आता है वैसे तो वो जन्म से ही है अवतार है माने ही रूप धारण किया है लेकिन शेरविंद कहते हैं बट इट मैनिफेस्ट अनफोल्ड होती है वो और एक समय आता है जब पूरा का पूरा उनका अवतार स्वरूप सामने आता है जैसे हम लोगों ने सावित्री के जीवन में पढ़ते हैं अवतार स्वरूप कब सामने आता है जब डार्क मोमेंट आता है क्राइसिस का श्री राम का पूर्ण अवतार का जो स्वरूप है कब सामने आता है हम देखते हैं कि जब रावण उसने ये ठान के रखी है कि मैं तो प्रूव करूंगा ये नारायण नहीं है अंत <laughs> में वही नारायण नारायण बोल के पूरी तरह कन्फर्म्ड हो जाता है कि ये नारायण ही है श्री कृष्ण उनका अवतार स्वरूप कब सामने आता है उस समय नहीं जब वो कंस का वध कर रहे हैं तो मेरे किल्स हैं अच्छे लग रहे हैं लोगों को राधा जी जानती हैं कुछ लोग जानते हैं लेकिन जब वो बैटल फील्ड और कुरुक्षेत्र में ना रिवील करते हैं कि आई एम द अवतार मैं युग धर्म देने के लिए आया हूँ तो जगन माता का अवतार स्वरूप भी ऐसे ही एक मोमेंट ऑफ क्राइसिस में पूरी तरह उनका अंदर ही इसका उद्घाटन होता है और पिछली बार हम लोगों ने ये पढ़ा था कि जब प्रथम विश्व होता है तो माँ एक अवतार स्वरूप के रूप में वो बच्चों का दुख दर्द जो देखती हैं तो उनके हृदय से एक पुकार उठती है और वो देखती हैं कि सारा जो विनाश लीला चल रही है उसमें नई सृष्टि के बीज डाले जा रहे हैं जो जीवन में आगे चल के अंकुरित होंगे और ये हमारे व्यक्तिगत जीवन के लिए भी बहुत सुंदर है जब कभी देखो कि डार्कनेस बहुत डीप है दस शल द ट्रांसजेंडर मास ट्रांसजेंडर माउंट इज थ्रोन वेन डार्कनेस डीप एंड स्ट्रैंगलिंग द अर्थ ब्रेस्ट एंड मैंस कॉर्पोरियल माइंड इज द ओनली लैम्प एज ए थीव्स इन द नाइट शेल बी द कवर ट्रेड ऑफ वन हु स्टेप्स अन सीन इन टू हिज ओन हाउस आप उस अंधकार को अगर एंड्योर कर लोगे तो जब समाप्त होगा तो आपके अंदर एक नव सृष्टि का बीच कहीं अंकुरित होता है तो वहां तक तो देख लिया अब सितंबर एक नाइनटीन फोर्टीन मां आवाहन कर रही है क्योंकि तो अब उनके सामने जो काम है और जो विपदा है इसमें नथिंग बट द डिवाइन मदर कैन चेंज द कोर्स ऑफ थिंग्स तो शेरविंद कहते हैं ना एट द हेड शी स्टैंड ऑफ बर्थ एंड टॉयल एंड फीट हर स्लो राउंड्स साइकिल स्टर्न टू हर कॉल द स्लो राउंड ऑफ द साइकिल स्टर्ट टू हर कॉल ए लोन हर हैंड कैन चेंज टाइम्स ड्रैगन बीस काल की गति इतनी भयाव्य हो गई है प्रथम विश्वयुद्ध की बात है तो वे ही इसको बदल सकती है तो आप डिवाइन मदर अपने ही अवतार स्वरूप में अपने ही हाइएस्ट डिवाइन मदर को इन्वोक कर रही है ओ मदर डिवाइन विद वॉट फरवर वट आड एंड लव ई केम टू दी इन दाई डीपेस्ट कॉन्शियसनेस बार बार इसमें एक ही भाव आता है हाउ टू इनवोक द डिवाइन मदर किस मंत्र के द्वारा या देवी सर्वभूतेशु इतना दूर क्यों कर रहे हो मां को भाव के द्वारा प्रेम के द्वारा श्री अरविंद दुर्गा स्रोत में लिखते हैं कि माता है दुर्गे सिंह भाव वाहिनी अब हम आपको वापस विसर्जित नहीं करेंगे लेकिन उसके बाद क्या लिखते हैं विसर्जित नहीं करेंगे तो डिवाइन मदर बोलेंगे नहीं मैं तो जाना चाहती हूँ तो रोक सकते हैं हम नहीं तो विसर्जित भी ये अपनी इच्छा से होती हैं कि इस व्यक्ति के घर में मैं रुकूंगी ये पांच दिन तो मांस नहीं खाएगा नौ दिन इसके बाद इसकी हालत बहुत खराब होने वाली है ये तो खुद ही महिसुर है <laughs> तो क्या करती है कहती है, मैं जा रही हूं अगले साल आऊंगी ये हम लोग की परंपरा है गणपति बप मौर्यावर से लौकर हम साथ मत रहना साथ रहोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी लेकिन श्री अरविंद कहते हैं कि हम तुम्हें नहीं जाने देंगे कैसे श्रद्धा और प्रेम की डोर से तुझे बांध के रखेंगे फेथ एंड लव तो यहां उसी की बात है मां कहती है कि मैं एक आर्डेंट लव प्रेम कैसा प्रेम जो एकदम फ्लेम कर रहा है अपने अंदर एक रोज का एक नाम दिया है माने फ्लेमिंग लव फॉर द डिवाइन आग्ने प्रेम तो वहां पे वो आती हैं, कहा जाती हैं? इन दई हाई स्टेटस ऑफ सब्लाइम लव एंड परफेक्ट फेलिसिटी एंड आई ने सो क्लोज इन टू दाई आर्म्स एंड लव सो इंटेंस लव आई बिकेम ऑल टूगेदर दाई सेल्फ लोग पूछते हैं भगवान के साथ यूनियन कैसे होती है कैसे <laughs> होती है इंटेंस लव आर्डेंट लव उसमें जब हम भगवान की गोद में स्वयं को डाल देते हैं तो नेचुरली भेद समाप्त तो होने लगता है सारी भेद अभेद डॉक्ट्रिन जो डॉक्टर पर लोग डिस्कस करते हैं ना दिस इज इट आप वो अब जान जाते हो एक लगेगा सेपरेट है एज ए सो कॉल्ड बट यू नो किसन ऑफ द डिवाइन मदर ऑलवेज इन हर तो ये आइडेंटिफिकेशन का मार्ग बता रही है कि जब हम भगवान को माँ को प्रेम के साथ आर्ड एंड फिर और कोई चीज़ नहीं प्रेम में देना का भाव है प्रेम में ये नहीं होता है, मेरे लिए तुमने क्या किया इसीलिए मानव प्रेम पहले सीखना होता है नहीं <laughs> तो हम वहाँ भी जाके मानव प्रेम वाला फॉर्मूला लगाएंगे हम तो आपको प्रेम करते भगवान आपने हमारे साथ क्या किया क्या दिया ये भाव के साथ प्रेम नहीं होता है देर इज़ नो लव विच हैज़ डिमांड कैलकुलेशन वो व्यापार है व्यापार व्यापार है और प्यार प्यार है दोनों को मिक्सअप नहीं करना चाहिए तो यहां पर वो जाके नस्ल करती हैं और लगभग एक जैसी हो जाती हैं। देन इन द साइलेंस ऑफ आर म्यूट एक्सटेसी आप वो तो व्यक्तिगत आनंद अनुभव कर रही हैं इससे बड़ा और क्या अनुभव हो सकता है ए वॉइस फ्रॉम येट प्रफाउंडेप्स ए रोज एंड द वॉइस सेट तो ये देखिए ये जो आनंद की बात करी म्यूट एक्सटेसी ऐसे कि आप ट्रेन में जा रहे हो तो एक्सपीरियंस जो होते हैं लोगों को अंदर में वो क्या होते हैं अरे खिड़की से देखा वो दिखा अरे वो गांव दिखा अरे हम काश वहाँ पे होता है ना ट्रेन में आप जाते हो मन करता है काश में <laughs> आप सारी दुनिया घूम लेते हो अब तो ट्रेन नहीं है पर होता है अरे अगर हम यहाँ पर होते हैं यहाँ हमारा घर होता है यह सब लगभग प्राय इमेजिनेशन में आता है लेकिन माँ की गोद में जब बच्चा जा रहा है तो उसको क्या लेना देना इससे माँ ही उसका संसार है वो तो सीधा गंतव्य पे वहाँ माँ हैं वही जिनके लिए उसने ट्रेन ली थी और ये सारे एक्सपीरियंसेस ले रहा था गलती से कहीं आकर्षित होकर ट्रेन खींच के उतर जाता तो पता नहीं क्या होता तो जब डिवाइन मदर की गोद में जा रहा है नेसल डिनर आर्म्स तो एक्सपीरियंस सच ए वन नीड्स तब उनको एक वॉइस सुनाई देती है नेसिल कर रही हूँ वो ऑलरेडी आइडेंटिफाइड हो रही हैं डिवाइन मदर के साथ सितंबर वन नाइनटीन जब वो ऑफिशियली इस चीज को लिख रही हैं डॉक्यूमेंटेड माकब क्या शेरविंद को पता नहीं चला होगा ये तो सोचना भी मूर्खता है <laughs> तो माँ सुनती हैं टर्न हु हैव नीड ऑफ thy लव तब से ओरिजिन सिविलाइजेशन की और इसका कारण क्या है बुद्धि तो सब में है लेकिन प्रेम नहीं है दर ऑफ सिविलाइजेशन तो सब बड़े इंटेलेक्चुअल हैं यहां पढ़े वहां पर देखिए अभी भी होता है ना अरे हमारा बेटा बहुत पीएचडी किया है डबल पीएचडी किया है हमारा बेटा तो कैम्ब्रिज में पढ़ाता है हमारा बेटा तो वहाँ पर बेटी का भी बोलते हैं डॉक्टर है लेकिन जो एक चीज है प्रेम है कि नहीं उसकी क्या वैल्यू है डिवाइन के लिए उसी की वैल्यू है तो कह रहे हैं टर्न टूवर्ड्स दो नीड ऑफ दाई लव संसार सफर कर रहा है प्रेम के अभाव में और मानव प्रेम उसको सेटिस्फाई नहीं कर सकता है मानव प्रेम तो वो मिक्स पेट्रोल है पेट्रोल के साथ पानी मिला है गाड़ी चलती है फिर ठप हो जाती है जैसे पहले होता था ना और स्मोक भी बहुत निकलता है पुरानी गाड़ी में होता था वो पेट्रोल टैंक कैसे होता था पानी चला जाता बार, खाली करना पड़ता था जैसे ह्यूमन लव है कई बार आपको उसको पूरा निकालना पड़ता है क्यों तो उसमें पेट्रोल के साथ पानी मिक्स हो गया वो आप नहीं चल रही है आपकी फटफटिया फटफट कर रही है चल नहीं रही है तो डिवाइन मदर का तो प्योर लव टर्न टूअर्ड दो नीड ऑफ दाइट लव ऑल द ग्रेट्स ऑफ कॉन्शियसनेस एफ प्यर्ड ऑल दक्सेस वर्ल्ड ऑफ डिवाइन मदर से यहाँ आ रही हैं उस तादात में के साथ तो वो देख रही हैं क्या शुरू में समवेयर स्प्लेंडेड एंड ल्यूमिनस वेल ऑर्डर्ड एंड क्लियर देवताओं देवलोक अलग अलग वैकुंठ लोग इन सब से वो त्याग देती हैं ये नहीं चाहिए मुझे यहाँ तो सब ठीक ठाक है वहाँ केवल ठीक है वहाँ के महादेव देवता हाँ माँ सब ठीक है ओके सी गोज फर्दर डाउन फिर वो क्या देती देखती हैं देयर नॉलेज वॉज स्प्लेंडेंट एक्सप्रेशन वॉज हार्मोनियस एंड वास्ट विल वॉज पोटेंट एंड इनवेंसिबल ये तो देवलोक हैं फिर वो नीचे आती हैं देन द वर्ल्ड डार्क एंड इन ए मल्टीप्लिसिटी मोर एंड मोर के द एनर्जी बिकेम वायलेंट एंड द मेटीरियल वर्ल्ड ऑफ स्क्योर एंड सॉरूफुल अब वो आती है मर्द लोक के पास वहां वो क्या देखती आप बहुत इंटरेस्टिंग सेंटेंस है एंड इन अवर इनफिनिट लव अब मदर यूज करी वर्ड अवर उसके बाद कहती है entirety, in किसको लेके आई हैं वी कौन है गई तो अकेले थी डिवाइन मदर को साथ लेके आई हैं इट शी इन अवतारिश एक्सपेक्ट एंड द डिवाइन मदर कमिंग डाउन सो जगह जगह आएगा वी perceived in its entirety the hideous suffering of the world of misery and ignorance when we saw our children locked in a somber struggle flung upon each other by energies that had deviated from their true aim we jagay inverted comma the mother and the divine mother mother she was known as mira devi or mira with a double r doesn't matter so she comes with the divine mother we ardently that थ द डिवाइन मदर वी विल्ड आडेंटली मेड मैनिफेस्टो और कुछ नहीं बोलते डिवाइन लव डि लव क्योंकि वही रूपांतरण कर सकती है a transfiguring force at the center of these destructed elements भगवान ऐसे काम करते हैं वो कोई लेक्चरबाजी नहीं करते हैं वो कोई पथ दिखाना क्रिया प्रक्रिया उनको पता है मनुष्य बोलेगा हाँ मैं रोज अपनी क्रिया करता हूँ <laughs> चार प्राणायाम करके उसका दिमाग कहीं और भाग रहा है तो सबके अंदर वो डिवाइन लव का एक इंजेक्शन एक, एक ड्रॉप डाल देती है अब ये ड्रॉप बड़ा होते होते एक फ्लड बनेगा जिसमें सब डूब जाएगा एक हिंदी फिल्म का बड़ा सुंदर गाना है मिस्टिक भजन है बॉल सॉन्ग है प्रेम सुधा इतनी बरसा दो सब जग जल हो जाए ये ब्यूटीफुल सॉन्ग आज सजन मोह अंग लगा लो जन्म सफल हो जाए आपको डिवाइन बी लव इट अब फिर वो आते हैं धीरे 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 अंत में कहते हैं कि तुम मुझे अपना बना लो पकड़ी मुझे डोंट मेक मी एनीस बाद में वो कहते हैं कि इतनी प्रेम सुधा पूरा ये जग फ्लडेड हो जाए तो क्या करती हैं ड्रॉप डालती हैं अभी ड्रॉप तो बड़ी होगी धीरे धीरे दैट द विल माइट बी येट मोर पावरफुल एंड इफेक्टिव वी

मनुष्य का हुआ था कि नहीं यह बात की बात है सिविलाइजेशन का हुआ था कि नहीं यह बात की बात है शेरविंद कहते हैं अर्थ विल बी सेव्ड दिस इज सर्टेन वेदर दिस सिविलाइजेशन विल बी सेव्ड और नॉट इज से मैटर स्टिल टू बी डिसाइडेड सिविलाइजेशन मतलब सभ्यता हमारे तौर तरीके जीवन शैली दैट इज सिविलाइजेशन अर्थ विल बी सेव्ड वो बच जाएंगे जो जुड़ गए हैं परित्रना है साधुना सेप्टेंबर फोर्थ को फिर कह रही हैं ओ मदर and darkness has descended upon earth, dense, violent, victorious. All is sorrow, panic, and destruction in the physical world, and the splendor of the light of thy love seems darkened by a veil of mourning. Prem, O oh, sweet mother, I melt into thee with an immense love, in an intense supplication to the Lord of all things.

जब डेथ को अल्टीमेटली सावित्री क्या कहती है कहती है डेथ तेरे लिए भी होप है तभी बार बार देखिए रामायण में क्या कहते हैं सब लोग जाके रावण को रावण तेरे लिए अभी भी आशा है हा? मेरे क्यों क्या आशा की जरूरत है रक्षाम मैं अपने आप हाँ में सक्षम हूं बार बार कहते हैं श्री राम की शरणागति ले लो तुम्हारे लिए आशा है वो नहीं समझ पाता है इवन फॉर रावण देर इज होप और इसको कैसे आता है इसमें आ, सावित्री में जब डेथ को फाइनली डिवाइन मदर अपना लास्ट में अपना रूप दिखा रही है रूप दिखाने के ठीक पहले कहती है नॉट ओनली इज देयर होप फॉर गॉड हेड्स वाइट बट द डार्क डेटीज़ इज मिस्ट दैट लीप्ड इन रिवोल्ट टू फाइंड व्हाट द वाइट गॉड्स मिस्ड दे टू आर सेफ मदर्स आर्म्स डिजायर्स हर रिबेल सन्स कौन है ये रिबेल सन्स दैत्य तो वो सब डिवीजन चिल्ड्रन ऑफ डिवीजन उनको भी वो बुला रही हैं आ जाओ मेरे अंदर तुम हील हो जाओगे डिवीजन के कारण रिवोल्ट कर रहे हो पनिश नहीं करती हैं माँ प्रेम का द्वार खोलती हैं आप अस्वीकार कर सकते हो वो एक अलग बात है तो उनका अपना अलग आप अलग फॉर्मेट में चले जाते हो वो एक अलग बात है पर जब उनकी दृष्टि पड़ गई तो आप किसी फॉर्मेट में जाओ ब्लेस्ड तो वो बुलाती हैं माँ को उनकी ब्रेस्ट में वो देखती हैं सारे बच्चे आई हैव बिकम द प्योरीफाइंग फायर ऑफ दाई लव प्योरीफाई करना है यम नियम नहीं है इस योग में लोग कहते हैं कोई तो नियम होगा मीट खाओ नहीं खाओ वेजिटेरियन खाओ एक टाइम खाओ फास्टिंग करो ऑर्गे ऑर्गेनिक खाओ मिल्क मत पियो ये सारे इतने कॉम्प्लिकेटेड बना लिए ना हमारे दिमाग ने पता नहीं क्यों क्या करो क्या नहीं करो श्री अरविंद से पूछा यम नियम नहीं है कोई तो नियम बता दीजिए प्रभु लोग कंफ्यूज हो रहे हैं एक रूल तो होना चाहिए ना आश्रम में एक रूल तो होना चाहिए तो श्री अरविंद रू, रूल क्या देते आप आश्रम में बुकलेट मिलती है जब आश्रमाइट बनते हैं लोग तो उसमें ओरिजिनल जो रूल है श्री अरविंद का वो थर्टी का एक लेटर है उसका एक पार्ट है ऑब्वियसली शेयरविंद माता जी की परमिशन से है थर्टी फोर में शेयरविंद ने एक रूल वन रूल आई कैन मेक फॉर यू ऑलवेज लिव एज इफ यू आर अंडर द आईज ऑफ द डिवाइन मदर ये उन्होंने पत्र है उन्होंने कहा अच्छा ये वाला पोर्शन इसको डाल दो एज ए रूल बाद में अब आप देखिए कितने रूल रेगुलेशन 2003 के बाद तो रूल रेगुलेशन भरे ये मत करना वो मत करना यहाँ मत जाना वहाँ मत जाना बट डिवाइन मदर का क्या रूल है ये रूल है जस्ट बी विद हर दैट लव ये रूल है एक्सेप्ट द होलो कॉस्ट ऑफ दिस ब्रेजियर ऑफ लव सो दैट दाई रेन में कम दाई लाइट में ट्रैम्फ ओवर डार्कनेस एंड ओवर डेथ मैनिफेस्ट दाई पावर फ्रॉम डे टू डे फ्रॉम आर टू आर वी इंप्लोर्ड दी ओ लॉर्ड मैनीफेस्ट दाई पावर कौन सी पावर द पावर ऑफ डिवाइन लव जिसके अंदर ट्रांसफॉर्म करने की शक्ति है September 6, 1914. अब जो ये प्रेम की ट्रेल पकड़ के जुड़ जाता है फिर उसके पास और कोई मेथड नहीं होता है जैसे प्यार का कोई फॉर्मेट तरीका नहीं है सिवाय देने के ज्ञान का ज्ञान योग का एक तरीका है ऐसे करो वैसे करो नेति नेति आई एम नॉट दिस आई एम नॉट दिस मेडिटेट ऑन दिस मंत्र ज्ञान योग में ये सब करना पड़ता है ध्यान धारणा समाधि कर्मयोग का भी एक फॉर्मेट है यज्ञार्थ समता रिमेंबर एंड ऑफर प्रेम नहीं सिखा सकते आप प्रेम में क्या होता है आप सोचते रहते हो जिसको प्रेम करते हो यही है बस सोचते सोचते उसके जैसे बनते जाते हो ये ये एक्चुअल प्रेम जो भक्ति योग है उसमें यही पथ है मनन दर्शन श्रवण हियर अबाउट द वन यू लव डिवाइन श्रवण मनन थिंक अबाउट द डिवाइन दर्शन सी द इमेज ऑफ द डिवाइन इन योर हार्ट निधि तो करते करते आपका सब दिन वही ही चलता रहेगा और धीरे धीरे आप प्रेम के कारण उस रूप में ढलते चले जाओगे और जब ऐसा होता है तो क्या होता है अब सितंबर सिक्स नाइनटीन फोर्टीन ये कुछ प्रार्थना है शीरविंद से ट्रांसलेटेड ट्रांसलेट किए उन्होंने फ्रेंच टू इंग्लिश और जो लोग ये चीज़ नहीं वो बार बार योग को एक बहुत इंटेलेक्चुअल हाइपर इंटेलेक्चुअल और बहुत ज़्यादा पर्सनल एफर्ट से जोड़ के यू हैव टू डू एफर्ट पर यू हैव टू अंडरस्टैंड शेरविंद ऐसे लोग थे जिनके अंदर प्रेम नहीं वो चाहते हैं इस तरह से तो उनको शेरविंद ने इस तरह के पत्र लिखे हैं ये नहीं कि लाइसेंस हो जाता है कि हम कुछ भी आप नहीं कर सकते जब आप प्रेम के पथ पे चलेंगे धीरे धीरे आप अपने आप ऐसे होते चले जाओगे कि आप जिसको प्रेम करते हो उसके जैसे काम करोगे आप अपने हिसाब से थोड़ी करोगे तो प्रेम हम करते हैं तो ये थोड़ी कहते हैं हम अपने मर्जी की सब्जी बनाएंगे आपको खाना होगा क्यों हम आपको बहुत प्रेम करते हैं <laughs> फिर आप पूछते हो क्या बनाया है करेला बनाया है अब आप क्या करोगे आपके पास कोई ऑप्शन बचा है नहीं बचा है प्रेम का वो, वो सिक्सर या वो ट्रम्प कार्ड है पर अगर आप प्रेम करते हो तो आप क्या कहोगे आपको क्या प्रिय है है ना यही होगा ना प्रेम का रूप <laughs> तो वैसे ही जब प्रेम करोगे तो आप अपने आप जानते चले जाओगे कि डिवाइन को क्या प्रिय है तो आप वैसे कर्म करने लगोगे तो अपने आप कई चीजें प्योरीफीफाई होकर छूट जाती हैं तो यहां पर वो कह रही हैं कह रही है मां ओ डिवाइन मदर दाई मार्च इज टाइम्फल जहां आप जा रही हो वहां विजय होनी है एंड अन इंटरप्टेड वो प्रेम फिर आपको कांस्टेंट प्रोग्रेस के रूट पे ले जाता है जहां पर आप कांस्टेंटली बस प्रेम को आप बढ़ाते जाइए माँ के प्रति और आप देखिए कि ये कांस्टेंट प्रोग्रेस होती चली जाएगी ही हु यूनाइट्स विद दी इड एन इंटीग्रल लव मन का प्रेम थिंक ऑफ द डिवाइन चैत्य का प्रेम गिव टू द डिवाइन हृदय का प्रेम सर्वभावेन तुम माता हो पिता हो जो सब हम संसार में ढूंढते ना इधर उधर वो सब प्रियतम हो बिलविड हो पैरामोर हो टीचर हो सब चीज हो हृदय का प्रेम हो गया चैत्य का तो कंप्लीट गिविंग है प्राण का प्रेम तुम्हारा तुम्हारी सेवा ही मेरा जीवन हो प्राण का प्रेम शरीर का प्रेम वो तो मेरा कि उसमें हम सुनते हैं कि रोम रोम में वो प्यास आ गई है दैट टेक्स टाइम बट इंटेग्रल लव जिसके अंदर ये इंटेग्रल लव माँ के अंदर वो है जब माँ आती हैं तो शेरविंद से बाद में बरिंदा ने पूछा कि क्या देखा था आपने माँ के अंदर कहते हैं दो चीज़ें स्पष्ट रूप थी और क्या क्या देखा होगा वो बताते नहीं हैं बहुत भोले बाबा हैं हाँ डोंट बी कैरिड अवे बाई इंस इज साइलेंस इज मच मोर परफॉर्म देन इज वर्ड्स तो क्या कहते हैं वन मीरा इज बॉर्न फ्री क्या देखा उन्होंने कि वो तो मुक्त है उनको कोई गाइडेंस किसी टीचिंग की जरूरत नहीं और लोग हैं जो कहते हैं कि शी इज अ डिसाइपल ऑफ श्योर बिंदो प्लीज रीड मतलब जो लोग ये कहते हैं ऊपर से क्या उन्होंने देखा कहते हैं फर्स्ट टाइम आई सॉ सरेंडर फ्रॉम द हाइएस्ट हाइट्स टू दी स्मॉलेस्ट सेल्स ऑफ द बॉडी दिस इज इंटीग्रल लव जहां शरीर का भी समर्पण ऐसा हो गया कि एक एक सेल केवल आपके लिए हो और इसके कुछ उदाहरण दिखते हैं एक बड़ा इंटरेस्टिंग एपिसोड्स होते हैं जब टेगोर मिलने आए थे शेयरविंद के साथ तो टैगोर ने अपने हाथ मतलब एब्रेस करने के लिए उस समय प्रचलन था और नेचुरली पहले शेयरविंद अपने हाथ बढ़ा के उनको रोक देते हैं वही चंपक लाल को वो क्या आलिंगन करते हैं तो ये एक जो प्रेम जो होता है कि देह के अंदर क्या वो प्रेम है जो तैयार है भगवान के एम्ब्रेस के लिए तो इंटीग्रल लव यानी देह के अंदर भी वो प्रेम जागृत हो जाए तो मां कहती है ही यूनाइट्स विद दी इन एन इंटीग्रल लव जर्नी अनसीजिंगली टुवर्ड्स वास्टर एंड वास्टर होराइजोन्स टूवर्ड्स ए कंप्लीटर एंड कंप्लीटर रियलाइजेशन हम लोग तो एक दो रियलाइजेशन सुनते हैं ये कितने सारे रियलाइजेशन है लीपिंग फ्रॉम पीक टू पीक इन द स्प्लेंडर ऑफ दाई लाइट टू द कॉन्क्वेस्ट ऑफ द मार्वेल सीक्रेट्स ऑफ द अनोन एंड देर इंटेग्रल मैनिफेस्टेशन डिवाइन विक्टर ऑल अर्थ सिंग्स दाई ब्रेज एंड ऑल फोर्सेज विल ओबे द लॉर्ड हैज सेड उन्होंने इम्प्लोर किया था लॉर्ड को वहाँ लिखा नहीं था लॉर्ड ने क्या कहा है। उनको बस पता चल गया कि अर्थ विल बी सेव्ड अब उन्होंने कह दिया है कि भागवत मुहूर्त है, आ गया है समय आ गया है तो फिर कोई शंका की सारे ऑबस्टेकल्स डिजोल्व हो जाएंगे तब की बात है फिर बड़ी एक इंटरेस्टिंग सी उनकी बात सेप्टेम्बर नाइन्थ नाइनटीन फोर्टीन की है जिसमें बताती है वो कि द वर्ल्ड इज डिवाइडेड इन टू टू कॉन्ट्ररी फोर्सेज विच स्ट्रगल फॉर सुप्रीमेसी एंड बोथ आर इक्वली अपोज टू दाई लॉ ओ लॉर्ड फॉर दाउ विलेज नीदर मॉटल स्टैग्नेशन नॉर ब्लाइंड डिस्ट्रक्शन ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है कि दो प्रकार की शक्तियाँ आज भी हम देखते हैं एक है जो मॉटल स्टैग्नेशन नहीं नहीं जो व्यवस्था पहले थी वैसी होनी चाहिए आजकल के बच्चे माता पिता की पाँव नहीं छूते हैं सतयुग मतलब वो ये शुरू कर देंगे ये तो आप पुरानी व्यवस्था जैसे थी भगवान मंदिर में होते थे वहाँ जाके आप सारा ये सब प्रॉपर शुरू हो जाना चाहिए दैट इज़ ऑल्सो अपोज टू द लॉ क्योंकि आप मैनिफेस्टेशन तो कोई नई चीज़ की ओर आ रहा है आप तो ये मंदिर है ये तो नई और ज़्यादा बड़ी बात है कि हेयर इज़ द टेम्पल और दूसरा वो कहते हैं ब्लाइंड डिस्ट्रक्शन दूसरी प्रकार की क्या है हर चीज़ को तोड़ो क्यों क्योंकि पुराना पुराना हो गया फैशन की तरह कुछ भी ले आओ तो एक है फोर्सेस ऑफ कंजर्वेटिज्म और दूसरी है फोर्सेस ऑफ मॉडर्निज्म बोथ आर अपोज टू द डिवाइन व्हाट इज इज रिक्वायर्ड ए फोर्स ऑफ प्रोग्रेस प्रोग्रेस क्या करती है वो डिस्ट्रॉय नहीं करती है, वो बिल्ड करती है वो क्या कहेगी बाहर का मंदिर अच्छी बात है लेकिन ये मंदिर होना चाहिए इट डज नीड टू डिस्ट्रॉय एनी इट टेक्स एवरीथिंग टू वन लेवल फर्दर हायर वो ये नहीं कि रिलीजन को हम डिस्ट्रॉय करेंगे रिलीजन एक अपनी जगह है कई लोगों को ज़रूरत है उसके आगे स्पिरिचुअल हम उसमें प्रवेश करेंगे उसके आगे सुप्रमेंटल तो बहुत ये चीज चेंज आ रहा है और मैं अपना रेजिस्ट नहीं कर पा रहा हूँ इस इस बात को जो हाल में मैंने सुनी और मुझे पता नहीं इसका ओरिजिन क्या है कंटेक्स्ट क्या है आई सी द फुल इंटरव्यू पर आरएसएस के चीफ का हाल में एक जो टॉक आई प्लीज इसको पॉलिटिक्स से नहीं जोड़े पर प्रसन्नता हुई मुझे कुछ सुन के सुन के क्या वो कह रहे हैं कि मनुष्य फाइनल थोड़ी है श्री अरविंद ने बताया है मनुष्य के बाद सुपर्मैन आएगा। सुपर्मैन के बाद बाद सुपरमैन सुपरमैन आएगा देव मानव आएगा अब ये कौन बुलवा गया उनसे कहां से ये थॉट आया इट्स ए रिफ्रेशिंग थॉट मैटर इट्स नॉट अबाउट वेदर ए पॉलिटिकल पार्टी और बी पॉलिटिकल पार्टी इट ड मैटर पर टूथिस्टूथ जहां से भी आए अगर कोई चाइनीज भी ये बोलेगा तो मैं कहूंगा भाई तू पूजनी है अति पूछनी है क्योंकि तूने एक ऐसा विचार पकड़ लिया जो भविष्य का सूचक है यानी अब जब आप इस विचार को पकड़ते हो तो आपकी चेष्टा उस दिशा में होती है तो ये दैट्स हाउ वो कैरी प्रोग्रेस और उसके बाद पहले एक छोटी सी प्रार्थना पढ़ के आई एल कम बैक टू सेप्टेंबर फोर्टीन की प्रार्थना जहाँ वो देखती हैं कि पूरी तरह अब माँ आइडेंटिफाई हो गई डिवाइन मदर के साथ सेप्टेंबर थर्टीन नाइनटीन फोर्टीन विथ फर्वर आई सेल्यूट दी ओर डिवाइन मदर एंड विथ डीप फीलिंग आई आइडेंटिफाई माई सेल्फ विद दूनाइटेड विदि मदर आई टर्न टूवर्ड्स दी अब वो वी नहीं है शे बिकम वन विद द डिवाइन मदर सेप्टेंबर 14 को कह रही हैं देर इज नो लॉन्गर एनी आई एनी इंडिविजुअलिटी

अग्नि क्या कर रही है वो प्रेम की अग्नि है जो सब कुछ उनको ऑफर कर रही है ओ लॉर्ड डिवाइन मास्टर मास्टर्स विल सो दैट दिस विल में नो लॉन्गर मीट विद एनी ऑब्सटिकल्स इन इट्स रियलाइजेशन और फिर वो कहती हैं पूरी अर्थ इट इज एन इमेंस कैंटिकल ऑफ फरवेंट लव एंड एक्सल्टेशन दैट राइजेस टू अर्थ दी ओ लॉर्ड एंड द होल अर्थ इन एन इन एफेबल एक्सटेसी यूनाइट्स हर सेल्फ विद दी अब कोई कहेगा अर्थ यूनाइट हो गई लेकिन कहां हुई जो टच मिल गया ना अर्थ के किसी कोर में अर्थ की सोल को अब ये ढूंढेगी चॉइस बची नहीं श्री कृष्ण का टच गोपियों को मिला उसके बाद आने वाली जनरेशन भक्ति की जो धारा बही है और बह रही है उन्होंने रिलीज कर दी अर्थ के अंदर स्ट्रीम ऑफ भक्ति तो अर्थ की सोल को जो टच मिल गया है अर्थ यूनाइट्स नॉट यूनाइट्स बट दैट टच ने पूरी पृथ्वी को उठा करके ये आपके हाथों में है तो अब क्या होगा वो ढूंढेगी केवल उसी को और तब तक वो संतुष्ट नहीं होगी जब तक वो अल्टीमेटली जो सुपरमैन उसके गर्भ में है सुपरामेंटल बींग जो प्रकट होना है उसको वो जन्म नहीं दे देती ये टच ही उसका आप कह सकते कंसेप्शन है लास्ट में हम लोग सेप्टेम्बर टेंथ नाइनटीन की अब वो प्रकृति अब इस ट्रांसमिटेड इनटू शक्ति शी इज बिकम शक्ति स्वरूपा अब वो शक्ति स्वरूपा कैसी हम लोग प्रार्थना पढ़ते हैं ना जहाँ हम सुनते हैं या देवी सर्वभूतेशु प्रेम रूपेण शक्ति रूपेण विद्या रूपेण अब माँ इसको डिस्क्राइब कर रही है, तो कैसे डिस्क्राइब करी वो अपना एक्सपीरियंस डिस्क्राइब कर रही है अब देखिए दाई लव इज लाइक ए राइजिंग टाइड प्रेम स्वरूपा प्रेम की जो बूंद है वो बढ़ती बढ़ती एक सुनामी बन रही है दाई लव इज लाइक ए राइजिंग टाइड इन रेडिंग द होल बींग एंड ओवर फ्लडिंग ऑल थिंग्स लॉर्ड दाई लव विल पेनेट्रेट इन टू ऑल हार्ट एंड जनरेट इन दम द डिवाइन फ्लेम विच कैनॉट बी एक्सटिंग जो ज्योति माँ जला देती हैं उस कितना भी उसमें आप धूल आएगी धुआं आएगा कोई भी ऑब्सटेक अल्टीमेटली ये फ्लेम ऐसी है जिसको कोई बुझा नहीं सकता प्रयास होंगे असुर का काम ही है वो उसका जॉब डिस्क्रिप्शन है बेचारे का लेकिन वो एंड अप मेकिंग इट स्ट्रांगर एंड स्ट्रांगर मोर इंटेंस क्योंकि जब आप उससे अपोजिशन मीट करते हो तो इट बिकम्स मोर इंटेंस द डिवाइन ब्यूटी विच कैनॉट बी मार्ड एक ऐसा सौंदर्य जो उम्र के साथ ढलता नहीं है द ओरिजिनल फेयर एंड लवली द त्रिपुर सुंदरी एंड अब ऑल कॉन्ट्रास्ट एंड कॉन्ट्रीज इट विल एस्टेब्लिश इन ऑल दैट आन चेंजिंग ब्लिस विच इज द सुप्रीम गुड कैसे पता चलेगा प्रेम का ये बढ़ता हुआ स्वरूप एक आंतरिक सौंदर्य इसको हिंदी में एक बड़ा सुंदर शब्द है वह है निखार निखार बाहरी नहीं है इट इज़ नॉट व्हाइट कलर और ब्लैक कलर और दिस कलर इट्स नॉट बाहर से नए नक्श निखार इज समथिंग जो अंदर से रेडिएट करता है निखार तो वो कहती हैं कि वो ब्यूटी दैट इज ब्यूटी वो ब्यूटी को देता है कुछ लोगों के अंदर वो निखार अधिकतर लोगों में वो केवल प्राण तत्व से निकलता है आपको पता चल जाता है प्राण तत्व से जब निकलता है कि ये केवल एक सरफेस चार्म है कभी कभी बड़ा डेंजरस है लेकिन जो रियल निखार होता है जो हम देखते हैं श्री अरविंद माता जी के अंदर वो एक एजलेस ब्यूटी डेथलेस ब्यूटी और उसके साथ क्या जुड़ा होता है आनंद ब्यूटी एंड ब्लिस आर ऑलवेज ए कंपनीमेंट्स ऑफ लव यह हम ये कहें कि ब्लिस इज आनंदा टर्न विद इन इट सेल्फ लव इज आनंदा गिविंग इट सेल्फ टू क्रिएशन तो यही बस अंतर है दोनों में Thy light is like a rising tide, invading the whole being and overflowing all things. देखिए सरार ना ये या देवी प्रेम रूपेन या देवी प्रकाश रूपेन और वो कैसा रूप है इन the द होल and एंड ओवर फ्लडिंग ऑल थिंग्स लॉर्ड दाई लाइट विल पेनेट्रेट thoughts and ऑल in एंड जेनरेट इन clarity क्लैरिटी विच wavers. क्लैरिटी कहां से आती है थोड़ी कोई स्कॉलरशिप पे आती है आदमी दस बार पढ़ ले एक एक डिक्शनरी का मीनिंग जान ले क्लैरिटी कम्स फ्रॉम डिवाइन लव क्यों डिवाइन लव अपने आप डार्कनेस को दूर कर देती है तो आपके अंदर शुद्ध जैसे मक्खन होता है ना मक्खन वो पूरा दूध के अंदर से मक्खन निकाल देती है बाकी सब चीजें इधर उधर चले जाती हैं तो डिवाइन लव ब्रिंग्स क्लैरिटी इन थॉट्स द डिवाइन क्लियर वॉयस विच इज नेवर मिस्टेक इन क्लेयर वॉइंस इज पूर्वाभा एंड अब ऑल कॉन्ट्रास्ट एंड कॉन्ट्ररीज इट विल एस्टैब्लिश इन ऑल द स्प्लेंडर ऑफ द नॉलेज व्हिच इज सुप्रीम विस्टम सुप्रीम विजडम का द्वार भी वो प्रेम है वो प्रकाश है वो प्रकाश जो प्रेम से उत्पन्न होता है प्रेम की फ्लेम से उत्पन्न होता है प्रकाश वो क्लैरिटी भी लाता है स्पष्टता लाता है उसमें कोई गलती की कोई संभावना नहीं है और साथ में वो सुप्रीम विस्टम भी है प्रज्ञा भी है अब ये दो हमने देख ली पक्ष प्रेम प्रकाश शक्ति इस प्रेम की जो लॉ है उसके अंदर शक्ति भी है इट हैज इंटेंसिटी फोर्स फोर्स इज लाइक ए राइजिंग टाइड इन वेडिंग द होल बींग एंड ओवर फ्लडिंग ऑल थिंग्स लॉर्ड दाई फोर्स विल पेनेट्रेट इन टू ऑल लाइफ एंड जेनरेट इन इट द इफेक्टिव पावर विच नेवर फेल्स इस प्रेम की फ्लेम से जो प्रकाश निकलता है और जो शक्ति निकलती है वो कभी फेल नहीं हो सकती है द डिवाइन माइट विच इज इनविंसिबल हर चीज को जीत सकते हो आप प्रेम को नहीं जीत सकते हो प्रेम का एक ही नियम है आपको हारना है कहा है ना एक मिस्टिक ने कि प्रेम की खुशरो दरिया प्रेम नहीं उससे भी ज्यादा पहले तो कहते हैं खुशरो दरिया प्रेम का जाकी उल्टी धार जो उभरा से डूब गया जो डूबा सो पार लेकिन नेक्स्ट लाइन इज अद्भुत खुसरो बाजी प्रेम की मैं खेली पी के संग मैं रात को खेल खेल रही हूँ पिया के साथ कौन सा खेल है प्रेम 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 का खेल है खुसरो बाजी प्रेम की मैं खेली पी के संग जीत गई तो पिया मेरे हारी पी के संग विन विन सिचुएशन है हार गई तो मुझे ले जाएंगे लुट जाऊंगी मैं और अगर जीत गई तो मेरे हो जाएंगे मैंने दोनों सिचुएशन में लव को आप हरा नहीं सकते हो बाइट्स नेचर आइदर वेज वेदर यू रेसिल और यू एम्ब्रेस यू विल बिकम वन केवल फर्क इतना है कि जब रेसिल करके आप एक हो तो आपको बड़ी दर्द होगा लवर के हाथ से छूटना चाहोगे बोलोगे हड्डी दुख रही है नस मेरी चटक रही है <laughs> मेरा ईगो कड़क चरमर आ रहा है मेरी डिजायर की धज्जियां उड़ गई हैं छोड़ो मुझे अपने बाहों से लेकिन बिटिवाइन बिलवेट छोड़ने वाला नहीं है रेसिल कर रहे हो ना आप तो कहेगा आप तो मैं दो भी पछाड़ रेसिल यू चोज फॉर रेसिल और जब प्रेमी की तरह एम्ब्रेस दोगे तो क्या होगा मेल्ट हो जाएगा सारा फिर ना हड्डिया चरमर आ रही ना कुछ आप पिघलते चले जा रहे हो भगवान के आर्म्स में इट विल एस्टैब्लिश इन ऑल दाई मास्टरिंग एनर्जी विच इज सुप्रीम विल सबके अंदर वो मास्टरिंग एनर्जी वो शक्ति वो भगवान की विल जो हर चीज को अपने अधिकार में ले लेगी अधिकृत कर देगी तो ये है डिवाइन मदर और उनकी लीला उनकी महिमा इसका प्रारंभ फर्स्ट सितंबर को ही शुरू हो जाता है कम से कम जो माने लिखा है कब शुरू हुआ हम नहीं जानते 1st September 1914, it is is documented. And obviously, not to say ki ko kab pata chala, is the most foolish question that we can put. फर्स्ट से ट्रांसलेट भी किया और उन्होंने माँ कहती कि मेरे जो अनुभव होते थे अगले दिन वो सावित्री में वो लिख देते थे बिकॉज दे आर वन एंड द सेम हम लोग इसके साथ रुकेंगे लास्ट में सितंबर 14, 1914 का ये लाइन पढ़ के इट इज एन इमेंस कैंटिकल ऑफ फर्वेंट लव एंड एक्सल्टेशन दैट राइजेस टुवर्ड्स वर्ड्स दी ओ लॉर्ड, एंड द होल अर्थ इन एन इनफेबल एक्सटेसी यूनाइट हर सेल्फ सब लोग लिख रहे हैं जय गुरु गुरु की महिमा अस ओनली से जय माँ जय माँ जय माँ जय जय माँ